आज की वीडियो में हम आपको पाइरेजेसी के एमआर टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पाइरेजेसी के एमआर टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो पाइरेजेसी के एमआर टैबलेट, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 175 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और यह 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है और समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें एसिक्लोफिनिक, पैरासीटामोल और थियोकोल्सिकोसाइड होता है और इसके प्रत्येक टैबलेट में एसिक्लोफिनिक जो कि 100 mg में होता है, पैरासीटामोल जो कि 325 mg में होता है और थियोकोल्सिकोसाइड जो कि 4 mg में होता है। और आइए जान लेते हैं पाइरेजेसी के एमआर टैबलेट के यूजेज के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक दर्द निवारक दवा है। इसका इस्तेमाल दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो, तो उसे यह बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। यह NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इसका इस्तेमाल कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, इसके अलावा चोट, मूंछ, सूजन, इन सबको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अर्थराइटिस की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में दर्द या सूजन हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में या हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पथरी में होने वाले दर्द को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में पीरियड के दौरान जो कमर दर्द या कोई दर्द होता है तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी प्रकार के दर्द, बुखार और सूजन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन दवा है जो कि दर्द, बुखार और सूजन को ठीक करता है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाइरेजेसिक एमआर टैबलेट, इसका जो नॉर्मल डोज होता है एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, वो एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और कितने दिन इस्तेमाल करना है ये समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में और जितने दिन तक कहें उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं पाइरेजेसिक एमआर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा सीने में जलन होना, पेट दर्द होना, दस्त हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, इसके अलावा मुंह में सूखापन महसूस होना और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। और कुछ सावधानियों की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेंस और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी पाइरेजेसिक एमआर टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।